गांव के अंदर शुरू हुआ प्राचीन मेला। पुलिस प्रशासन सख्त। हापुड़ जनपद के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव भगवतीपुर उर्फ गांव लिसड़ी के अंदर हुआ बसंत पंचमी का मेला शुरू, जिसके अंदर पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग। दूर दराज से आने वाले बाबा के भक्त जोर शोरों से ले रहे हैं कार्यक्रम के प्रति हिस्सा। जो कार्यक्रम कल सुबह 7 बजे शुरू हो, इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बाबा की दरगाह पर चादर में गुड़ की भेली मुख्य चढ़ावा गया। बच्चों के लिए खेलने कूदने का पूरा बंदोबस्त किया गया है तथा मंदिर की सजावट काफी अच्छी तरीके से की गई है। यह मेला काफी पुराना है और काफी समय से यहाँ भरता है। गाँव के लोग करते हैं आने जाने वाले बाबा के भक्तों की दिल खोल कर सेवा, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। थाना सिंभावली थाना अध्यक्ष ने बताया कि 3 दिन के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त है, ताकि कोई शरारती तत्व कार्यक्रम के प्रति कोई शरारत ना कर दे। हापुड़ से उमेंद्र सिंह तेवतिया की रिपोर्ट। सब नाम क्या है? स्वामी देवेश्वरानंद। महाराज जी, ये जो है जो बसंत पंचमी का यहाँ पर मेला लगता है, यहाँ किस रूप में लगता है? अब से करीब 300 वर्ष पहले एक उदासी संत हुए हैं, बाबा दुर्गादास जी। तो वो उस समय के अच्छे विद्वान थे, अच्छे सत्पुरुष थे तथा वो सिद्ध पुरुष माने गए। जब उनका अंतिम समय आया तो जनश्रुति के अनुसार वो बैठे बैठे समा गए थे। तो उनके शिष्यों ने फिर प्रतिवर्ष उनकी यहाँ पर समाधि बनवाई। प्रतिवर्ष समाधि दर्शन करने उनके शिष्य लोग, भक्त लोग जो उनमें आस्था रखते हैं, वो आते हैं। और 300 वर्ष से ये मेला ऐसे ही लग रहा है। फिर बाद में समय जैसे गुजरता गया तो बाबा दुर्गादास की जगह बाबा दरगाही साहब उनको कहने लगे। महाराज जी, ये जो दरगाह है, इसकी जो है स्टोरी पर क्या आप प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ, कोई लिखित प्रमाण तो इतना है नहीं, लेकिन जनश्रुति के अनुसार अब से वही 300 करीब 250 साल पहले, 300 साल हुए होंगे जैसे सुनते आ रहे हैं, मुगल बादशाह हुए तो वो उनके शिष्य हुए जाकर, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनके संतान हुई तो उन्होंने फिर ये समाधि बनवाई। जैसे कि यहाँ पर आम जनता आती है और जो है यहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है, इसकी क्या प्रक्रिया? जो श्रद्धालु लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं, मन्नत मांगते हैं, हे बाबा साहब हमारा ये काम पूरा हो जाए तो हम तुम्हारे फिर दर्शन करने आए। तो फिर दर्शन करने जब आते हैं वो तो गुड़ की भेली और चादर लेकर के आते हैं, बाबा साहब की तरफ से उनको कड़ा प्रसाद दिया जाता है और कुछ लोग प्रसाद अपने घर भी बोल देते हैं तो वो यहाँ आकर के प्रसाद बनवाते हैं और यहाँ से ले जाते हैं, फिर अपने घर बांटते हैं। ये कड़ा प्रसाद आपके माध्यम से बांटा जाता है? हाँ, कड़ा प्रसाद हमारे माध्यम से बांटा जाता है, क्योंकि यहाँ की ये परंपरा है कि जो भी सेवक आएगा, आस्था वाला आएगा, आस्थावान आएगा, वो बाबा के दर्शन करेगा और दर्शन करने के बाद बाबा उसको प्रसाद देंगे। यहाँ पर प्रसाद चढ़ता नहीं, विशेषकर जो लोग यहाँ पर मुरमुरा और सिवोनी चढ़ाते हैं उसको बाबा कबूल नहीं करते। यहाँ तो बाबा के दर्शन करो और गुड़ और भेली और माया या घर का बनाया हुआ पेड़ा है, कुछ भी चीज है घर की बनाई हुई, चढ़ाओ। यहाँ पर प्रसाद तो बाबा देते हैं, प्रसाद चढ़ता नहीं यहाँ। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।